सो वेलकम गाइस, वेलकम टू डिफेंस अड्डा। डिफेंस अड्डा में आप सभी का स्वागत है और मैं अमित सिंह, फैकल्टी ऑफ साइंस, आप सभी के सामने हाजिर हूँ। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं CAPF प्रैक्टिस सेट नंबर 5। CAPF प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड गाइस, ये जो सेशन था सुबह 8 बजे होने को थी, बट ड्यू टू सम इलेक्ट्रिसिटी ग्लिच आई अंडरस्टैंड द सेशन वॉज रीशेड्यूल्ड टू यू। सो वी वैल्यू योर सपोर्ट एंड एसोसिएशन विद अस। एंड आप सभी के लिए बताना चाहूँगा कि मे जिंग सरप्राइज जो वापस से इट्स रीलोडेड एंड नाउ यू कैन अवेल योर 57% फ्लैट डिस्काउंट ऑन योर स्टडी मटीरियल बाय अप्लाइंग दिस कोड Y223 एंड इट इज़ एप्लीकेबल ऑन ऑल महापैक्स, लाइव क्लासेस, वीडियो कोर्सेज, टेस्ट सीरीज एंड ई बुक्स एज वेल। फॉर एनी कन्फर्मेशन यू कैन जस्ट डायल ऑन 0114118324। ठीक है। और SSC का फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है CGL के प्रिपरेशन के लिए। मैथ्स की प्रीमियम बैच आपके चहेते टीचर संतोष सर की आ चुकी है और अक्षय सर का मैथ्स का शूरवीर स्पेशल बैच फॉर SSC CGL एंड CHSL आ चुका है, जो कि 26th of May से स्टार्ट होनी है। और 19th of May से स्टार्ट हो चुकी है मैथ्स प्रीमियम बैच और 19th of May से ही फाउंडेशन बैच SSC 2020 की भी स्टार्ट हो चुकी है। So guys, to avail this batches, you can apply this code Y223. So math special batches हैं और साथ ही साथ आप GS की भी special batches देख सकते हो। इसमें science मैं ही पढ़ा रहा हूँ। So let's continue. So you are having defense adda की shows रोज सुबह 8 बजे होती है और SSC adda पे मेरी show 9 बजे होती है। आज वो show हो रही है अभी 1 बजे और 2:30 बजे आपकी show होगी SSC adda पे, जहाँ physics की discussion चल रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिस सेशन नंबर 5 को। और पहला सवाल स्क्रीन पे ये रहा, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज इनकरेक्ट फॉर कंडक्शन सिस्टम ऑफ हर्ट। दिल की चालन प्रणाली के लिए गलत है कौन सा बयान, इसे पहचाने। इनमें से कौन सा बयान गलत है रिगार्डिंग दिल की चालन प्रणाली, चालन प्रणाली के तहत कौन सा स्टेटमेंट इनमें से गलत है आपको पहचानना है। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज इनकरेक्ट फॉर कंडक्शन सिस्टम ऑफ हर्ट। निकिता ठाकुर गुड आफ्टरनून, नेहा कुमारी गुप्ता जय हिंद, सपना जोशी जय हिंद। बच्चे जल्दी से जुड़ जाएं एंड लेट्स स्टार्ट द सेशन। ओके, तो पहला ऑप्शन है द एक्शन पोटेंशियल इन द एसे नोड। एसे नोड हम जानते हैं किसे कहते हैं, एसे नोड हम पेस मेकर को कहते हैं। एसे नोड हम किसे कहते हैं, पेस मेकर को कहते हैं। एसे नोड किसे कहते हैं हम, साइनोएट्रियल नोड, पेस मेकर को कहते हैं। तो पहला ऑप्शन ये दे रखा है कि द एक्शन पोटेंशियल यानी जो सक्रिय आवेग होता है उसका, किसका, पेस मेकर का, इज ट्रिगर्ड मेनली बाय द ओपनिंग ऑफ कैल्शियम 2+ चैनल्स। कैल्शियम के चैनल के खुलने के वजह से पेस मेकर में एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, मतलब कार्य करने का जो पोटेंशियल है, जो आवेश है, जो उसका विभव है, वो उसमें जनरेट होता है। किसके अंदर, पेस मेकर में। किसकी वजह से, कैल्शियम प्लस चैनल्स के। क्या ये सही है। दूसरा, पैरासिंपथेटिक डिवीजन ऑफ ANS मतलब स्वायत्त जो तंत्रिका तंत्र है उसका जो पैरासिंपथेटिक डिवीजन है, मतलब परानुकंपी तंत्रिकाएं जो होती हैं, ANS जो हमारे दो तरह के नर्व से बने हुए हैं, सिंपथेटिक और पैरासिंपथेटिक नर्व्स। तो बोलता है स्वायत्त तंत्रिका में जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में जो अनुकंपी तंत्रिकाएं हैं और परानुकंपी तंत्रिकाएं हैं, तो परानुकंपी तंत्रिकाओं की यहाँ बात की जा रही है कि परानुकंपी तंत्रिकाएं जो हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के, वो क्या करती हैं, पेस मेकर को स्लो कर देती हैं। कितना, तो अबाउट 75 एक्शन पोटेंशियल्स पर मिनट। तो मतलब 75 एक्शन पोटेंशियल्स जो जनरेट होती है, जो 75 बार एक्शन पोटेंशियल पेस मेकर के अंदर जनरेट होती है, उससे भी कम कर देती है कौन, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का कौन सा हिस्सा, तो परानुकंपी तंत्रिकाएं। तीसरा ऑप्शन ये है, द इनहेरेंट एंड रिदमिकल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हर्ट इज ड्यू टू अ नेटवर्क ऑफ स्पेशलाइज्ड नर्व फाइबर्स। कहता है हर्ट के अंदर ये जो आप रेगुलर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन आप देख रहे हो, संकुचन और शिथिलन देख रहे हो, ये एक स्पेशल तंत्रिकाओं की वजह से होता है जो कि हर्ट के ऊपर है। और चौथा स्टेटमेंट ये कहता है कि पेस मेकर इनिशिएट करता है, मतलब प्रारंभ करता है क्या, तो हृदय चक्र एंड देयर बाई सेट्स द बेसिक पेस ऑफ हर्ट, और इसी के साथ हृदय के अंदर जो धड़कन बने रहती है उसको बनाए रखता है। तो सवाल है कि इसमें से गलत क्या है, तो इसमें से जो गलत जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी।
द इनकरेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी. हर्ट के अंदर कोई ऐसा स्पेशल नेटवर्क ऑफ स्पेशलाइज्ड नर्व फाइबर्स नहीं है. जी हाँ, ये सही है कि हर्ट के अंदर जो पेस मेकर है वो हृदय चक्र को वही इनिशिएट करता है, वही प्रारंभ करता है जिससे हृदय की धड़कन बनी रहती है. दूसरी बात कि हमारी जो ब्रेन की स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसका जो डिवीजन जिसे हम परानुकंपी तंत्रिका यानी पैरासिम्पथेटिक नर्व्स कहते हैं वो हमारे हृदय के अंदर यानी जो पेस मेकर है उसको 75 एक्शन पोटेंशियल्स के नीचे रखती है, उसे बढ़ने नहीं देती. और साथ ही साथ जो पेस मेकर के बारे में और एक बात कही गई है कि पेस मेकर तभी एक्टिवेट होकर काम करता है जब कैल्शियम के चैनल्स क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं. तो हमें समझ में ये आना चाहिए कि हर्ट के फंक्शनिंग के लिए, हर्ट के कंडक्शन सिस्टम के लिए कैल्शियम चैनल्स का खुलना, साथ ही साथ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का काम करना एंड पेस मेकर का फंक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इस क्वेश्चन से आपने तीन नई बातें सीखी, लेकिन इसका सही जवाब क्या है, इनमें से गलत क्या है, सवाल पूछा था कि गलत क्या है, तो गलत जवाब है ऑप्शन नंबर सी. तो करेक्ट ऑप्शन टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी. अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल ड्यूरिंग नॉर्मल कार्डियक साइकिल. कहता है कि जो साधारण जो नॉर्मल जो स्टैंडर्ड तरीका है जिस हृदय चक्र का, वो हम जानते हैं कि कितने सेकंड का होता है, जो कार्डियक साइकिल यानी हृदय चक्र होता है वो कितने सेकंड का होता है, 0.8 सेकंड का होता है. मैंने आप सभी को पढ़ा रखा है कि हमारा जो कार्डियक साइकिल है वो 0.8 सेकंड का होता है, जिसमें 0.5 सेकंड लगता है हमारे वेंट्रिकल्स के फिलिंग में, जो नीचे के निलय हैं उनको भरने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, और जो हमारे आलिंदों का संकुचन है जिसमें ब्लड ऊपर से नीचे आती है उसमें बहुत कम समय लगता है, जो कि 0.3 सेकंड है. तो अगर इसमें पूछ रहा है हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल ड्यूरिंग नॉर्मल कार्डियक साइकिल, यानी सामान्य हृदय चक्र के दौरान वेंट्रिकल को पूरी तरह भरने के लिए कितना समय अपेक्षित है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ए बी सी एंड डी. जल्दी बताइए इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है. बी फास्ट विद योर आंसर्स गाइज. वसुंधरा गुप्ता गुड आफ्टरनून. कुमार नितिन, साइंस टेक की क्लासेस जो है वो इस वीक रिज्यूम होगी, डोंट वरी. यस, जल्दी से जवाब दें. तो सपना जोशी कह रही है डी, निकिता ठाकुर कह रही है डी, एंड यस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी. ऑब्वियस बात है कि 0.5 सेकंड किसमें लगता है, वेंट्रिकल्स के फिलिंग में. तो कितना समय लगा निलयों को भरने में, 0.5 सेकंड, और आलिंदों के संकुचन में कितना लगता है, 0.3 सेकंड. मतलब 0.7 एंड 0.4 का तो कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है ना. और इस सवाल के लिए करेक्ट ऑप्शन क्या था, ऑप्शन नंबर डी. अगला सवाल क्वेश्चन नंबर थ्री आपके स्क्रीन पे ये रहा, द लिम्फैटिक वेसल दैट बिगिंस एट सिस्टर्ना काइली डिस्चार्ज इट्स लिम्फ इनटू. कहता है कि जो लसिका का वेसल यानी जो लसिका का पिंड है, जो वेसल है, समझ लो इसमें लिम्फ भरा हुआ है. क्या भरा हुआ है, लसिका भरा हुआ है, और ये वेसल है उसका, मतलब जहां ये भारी मात्रा में स्टोर रहती है. तो जो लसिका रहती है, कहती है दैट बिगिंस एट सिस्टर्ना काइली, जो सिस्टर्ना काइली से बिगिन करता है. सिस्टर्ना काइली क्या होता है, तो सिस्टर्ना काइली वो अंग है जहां धमनियां और शिराएं प्रारंभ होती हैं. समझ लो ये कोई वेन है, ये कोई एक शिरा है, ये कोई वेन है, आगे जाके फिर ये छोटी शिराओं में ब्रेक हो रही है यानी टूट रही है. समझ रहे हो ये क्या है, वेन है, ये एक वेन है, शिरा है. तो हम जानते हैं हमारे बॉडी में नेटवर्क ऑफ वेन्स है, मतलब शिराओं का एक पूरा जाल है. तो मान लिया ये वेन है, वेन आगे जाके फर्दर ब्रांच कर रही है, लेकिन इस वेन के अंदर और बगल में जो लिम्फैटिक चैनल्स हैं, जो लिम्फ के चैनल्स हैं, उनके अंदर जो लिम्फ इसमें डंप हो रहा है वो कहां से डंप होता है, तो बताया सिस्टर्ना काइली से. कहां से, सिस्टर्ना काइली से. सिस्टर्ना काइली क्या होता है भाई, तो मैं आपको बता दूं कि जहां से वेन्स ओरिजिनेट करते हैं उसे हम सिस्टर्ना काइली कहते हैं, ठीक है ना. और जो सिस्टर्ना काइली होता है वो किस तरफ एग्जिस्ट करता है, तो बॉडी के लेफ्ट हैंड साइड में एग्जिस्ट करता है. बस आपको इस सवाल में इतना ध्यान रखना है कि लिम्फैटिक वेसल कहां से प्रारंभ होता है, तो सिस्टर्ना काइली से, और सिस्टर्ना काइली किस तरफ हमारे बॉडी में सिचुएटेड है, तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ सिचुएटेड है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ सिचुएटेड है. और मैंने ये भी बताया कि सिस्टर्ना काइली है क्या, तो सिस्टर्ना काइली वो जंक्शन है जहां से वेन्स ओरिजिनेट भी करते हैं, ठीक है ना. तो लिम्फैटिक वेसल्स दैट बिगिंस एट सिस्टर्ना काइली, तो जहां वेन्स होता है वहीं पे लिम्फ का भी चैनल्स होता है,
जहां पे हमारे ब्लड के चैनल्स होते हैं वहीं लिम्फ के भी चैनल्स होते हैं। तो कहता है द लिम्फेटिक वेसल दैट बिगिंस एट सिस्टर्ना काइली डिस्चार्ज इट्स लिम्फ, वो इस लसिका को डिस्चार्ज करता है किस में, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में, राइट सबक्लेवियन वेन में, सुपीरियर वेना कावा में या इंफीरियर वेना कावा में। अब मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि जो सिस्टर्ना काइली है वो शरीर के किस ओर है, बाई ओर है। तो बाई तरफ जो भी वेन होगा, बाई तरफ जो भी वेन होगा उसी में ये लसिका जो होगा वो डंप हो रहा होगा। तो बाई तरफ कौन सी शिरा आपको दिख रही है, तो लेफ्ट सबक्लेवियन वेन दिख रही है। तो आपको इस क्वेश्चन में बस इतना ही ध्यान रखना था कि सिस्टर्ना काइली क्या है, तो वो जंक्शन है जहां से वेन्स ओरिजिनेट करती हैं और इसी पॉइंट से लिम्फ भी इसके अंदर ड्रेन होता है, ठीक है ना। और इस पॉइंट का नाम है सिस्टर्ना काइली और जनरली ये हमारे बॉडी के लेफ्ट हैंड साइड में पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से ऑप्शन क्या सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। सो क्वेश्चन नंबर थ्री का सही जवाब ऑप्शन नंबर थ्री है। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, मतलब समझ लो पेपर बहुत हार्ड आने की संभावना हो गई तो उस कंडीशन में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जिसमें आपके अंडरस्टैंडिंग एनालॉजी को परखा जाएगा कि आपने इस सेट टॉपिक को कितने अच्छे से समझा है, आपने इस सेट टॉपिक को कितने अच्छे से समझा है। अब इस सेट टॉपिक में ऐसी खास बात क्या थी, मैं आपको बता दूं, जो लिम्फैटिक नोड्स होती हैं, जो लसिका के ग्रंथि होती हैं, उसके अंदर गांठ भी बन जाते हैं, उसके अंदर गांठ भी बन जाते हैं। कब? जब आपके शरीर के अंदर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होगा, जब आपके शरीर के अंदर किसी भयानक बीमारी का प्रवेश हो जाएगा और उस कंडीशन में आपके जहां जहां लिम्फ नोड्स होंगे, जहां जहां इस लसिका के गांठ होंगे, वो सारे फूल जाएंगे, उसके अंदर सूजन आ जाएगा और ये जनरली आपके बाएं साइड होता है यानी लेफ्ट हैंड साइड में होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में ही क्यों होता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ही हमारी सिस्टर्ना काइली होती है जहां पे लिम्फ के भी चैनल्स खुलते हैं और हमारे वीनस चैनल्स भी खुलते हैं। इसी वजह से ये लिम्फ कहां डिस्चार्ज कर रहा होगा, तो हमारी उस शिरा में जिसका नाम है लेफ्ट सबक्लेवियन वेन, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, माइग्रेशन ऑफ WBC यानी श्वेत रक्त कोशिकाओं का जो परिसंचालन होता है आउट ऑफ ब्लड कैपिलरीज यानी रक्त वाहिनियों से, जो छोटी छोटी रक्त की शिराएं होती हैं उसके अंदर से जो WBC बाहर निकलती है, किस वजह से, जब उस पे किसी तरह का इंजरी होता है। कहता है चोट की साइट पर जहां पे चोट लगी हो वहां से ब्लड कैपिलरीज के अंदर से क्या निकलती है, WBC बाहर निकलती रहती है। अगर समझ लो कोई एक जगह है जहां आपको चोट लग गई, ये आपका इंजरी साइट है, ठीक है ना, ये क्या है आपका इंजुरी साइट है, और इंजुरी साइट पे चोट लगने के वजह से क्या हुआ, WBC बाहर निकलने लगा। और जो इंजुरी साइट है वहां पे क्या है, बहुत सारा नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, ये क्या है, कैपिलरीज यानी छोटी शिराएं समझ लो, हाँ उंगलियों के बगल बगल लग गया, तो यहां पे क्या होता है, कैपिलरीज ज्यादा होता है। तो अगर हाथ में कहीं चोट लग गई तो मतलब कैपिलरीज क्या हुई है, कट हो गई है, टियर हो गई है, फट गई है। और उस जगह से अगर WBC बहुत ज्यादा बाहर निकलने लगे तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं। सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि अगर कहीं चोट लगे और उस जगह पे अगर ब्लड कैपिलरीज हो और उस ब्लड कैपिलरीज के अंदर से WBC बहुत ज्यादा मात्रा में निकलने लगे बाहर, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस, डायपेडेसिस, डायस्टेसिस या डायकाइनेसिस। जल्दी से जवाब देंगे, क्वेश्चन नंबर फोर का सही जवाब क्या है, जल्दी बताएंगे। अचिंत्या सखारे कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए मेटास्टेसिस। नहीं बच्चे, मेटास्टेसिस हम कहते हैं जब कैंसर रैपिडली स्प्रेड करता है तो उस प्रोसेस को हम मेटास्टेसिस कहते हैं, ठीक है। जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर फोर का ऑप्शन क्या होगा। जल्दी बताएं, मेटास्टेसिस बेटा कैंसर के फैलने के प्रोसेस को हम मेटास्टेसिस कहते हैं। यहां तो आपसे पूछ रहा है ना कि जब इंजरी साइट से ब्लड कैपिलरीज के थ्रू WBC बहुत ज्यादा निकलने लगे तो उसका नाम क्या है। मेटास्टेसिस तो मैंने बताया है, मेटास्टेसिस नहीं हो सकता क्योंकि वो कैंसर के स्प्रेड को कहते हैं। डायकाइनेसिस सेल डिविजन का एक स्टेप है, मैं बता दूं डायकाइनेसिस क्या है, इट इज अ स्टेप ऑफ सेल डिविजन, कोशिका विभाजन का एक पद है, इट इज अ स्टेप ऑफ सेल डिविजन। डायस्टेसिस का मतलब होता है दो अलग एनवायरमेंट में, दो सेपरेट एनवायरमेंट में निवास करना, टू सेपरेट एनवायरमेंट्स में क्या करना, क्षमता होना कि वो अपने आप को वहां रख ले, उसे हम कहते हैं डायस्टेसिस।
और मेटास्टेसिस क्या होता है? कैंसर का स्प्रेड। तो ऑब्वियस सी बात है सही जवाब इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर टू ना। समझ में आया? मेटास्टेसिस होता है कैंसर का स्प्रेड, डायस्टेसिस होता है कि दो अलग अलग एनवायरमेंट में भी खुद को रख लेना, और डायकाइनेसिस एक सेल डिविजन का स्टेप है। तो सही जवाब इसमें क्या हुआ? सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर बी। सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर बी। डायपेडेसिस कहते हैं जब इंजुरी साइट से बहुत ज्यादा मात्रा में WBC बाहर आने लगे। किससे? ब्लड कैपिलरी से। तो करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल स्क्रीन पे ये रहा। मैक्सिमम प्रेशर ऑफ ब्लड इज एक्सपीरियंस्ड व्हेन ब्लड एंटर्स फ्रॉम। कहता है कि रक्त से प्रवेश करने पर रक्त का अधिकतम दाब अनुभव किया जाता है कब? कहता है कि रक्त का सबसे ज्यादा दबाव कब एक्सपीरियंस हम करते हैं? जब ब्लड कहां से कहां एंटर कर रहा होगा। लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोर्टा, या राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी। मतलब बाएं आलिंद से बाएं निलय में, दाहिने आलिंद से दाहिने निलय में, बाएं निलय से आयोर्टा में। आयोर्टा क्या करता है? ये वो धमनी है जो प्योर ब्लड यानी शुद्ध रक्त बॉडी की तरफ ले जाता है। और चौथा ऑप्शन है राइट वेंट्रिकल यानी दाहिने निलय से पल्मोनरी यानी फुफ्फुसीय धमनी यानी पल्मोनरी महाधमनी की ओर, जो कहां? फेफड़े की तरफ खून को ले जाती है। कहता है सबसे ज्यादा ब्लड का प्रेशर किस ओर फील होता है? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर फाइव का ऑप्शन क्या है। जल्दी, सपना जोशी कह रही है बी, अनुपमा तनवर कह रही है बी, नो इट्स रॉन्ग, निकिता ठाकुर कह रहे हैं डी, के प्रसाद कह रहे हैं सी, सरिता राठी सी, एंड यस द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। दाहिने निलय से, दाहिने निलय से आयोर्टा की ओर। आयोर्टा क्या है? इट इज अ ब्लड वेसल, इट इज अ ब्लड वेसल। कौन सा ब्लड वेसल? ये आर्टरी है, ये आर्टरी है। इट इज अ ब्लड वेसल विच कैरीज प्योर ब्लड टू बॉडी, प्योर ब्लड टू बॉडी। तो याद रखें सबसे ज्यादा प्रेशर इसमें इसलिए होता है क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल का सबसे मोटा दीवार होता है, इट हैज द थिकेस्ट वॉल। सबसे मोटा दीवार होने की वजह से सबसे ज्यादा इसमें प्रेशर भी बन पाता है, और सबसे ज्यादा प्रेशर से ब्लड क्या होता है? बाएं निलय से आयोर्टा से, आयोर्टा के द्वारा कहाँ जाता है? पूरे बॉडी में ब्लड लेके जाता है। कौन सा ब्लड? प्योर ब्लड लेके जाता है। आयोर्टा क्या है? तो ये एक धमनी है। कैसी धमनी है? तो इसे हम दैहिक महाधमनी कहते हैं, ठीक है ना। जो ब्लड को कहाँ ले जाता है? शरीर की ओर ले जाता है। कहाँ से लेके आता है ये ब्लड? फेफड़े की ओर से ले आता है। फेफड़े से ये ब्लड पल्मोनरी शिराओं के द्वारा बाएं आलिंद में एंटर करती है, बाएं आलिंद से ये बाएं निलय में आती है, और बाएं निलय में सबसे ज्यादा इसे प्रेशर मिलता है क्योंकि इसका सबसे मोटा दीवार होता है, और वहां से मैक्सिमम प्रेशर के साथ ब्लड रश करती है। किसमें? आयोर्टा में, और आयोर्टा के थ्रू ये पूरे बॉडी में जाती है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। सो करेक्ट ऑप्शन टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके स्क्रीन पे ये रहा। गाइस जब आप जवाब देना तो ऑप्शन आप ऐसे लिखें क्वेश्चन नंबर सिक्स का डी, क्वेश्चन नंबर फाइव का सी, क्योंकि बहुत बच्चे लगातार आंसर दे रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा कि आपने इस क्वेश्चन का जवाब दिया है या पिछले क्वेश्चन का जवाब दिया है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर के साथ अपने ऑप्शन बताएं। अगला सवाल है विच ब्लड वेसल लैक्स मस्क्यूलर लेयर ट्यूनिका मीडिया। याद रखिए ब्लड वेसल के अलग अलग लेयर्स होते हैं जिससे रक्तवाहिनियां बनी हुई हैं, जिससे रक्तवाहिनियां बनी हुई हैं उसके अलग अलग सतह के नाम हैं। तो जो मस्क्यूलर लेयर होता है रक्तवाहिनियां जिससे बनी है उसमें से एक सतह ऐसा होता है जो मांसपेशियों की बनी होती है और उसका नाम है ट्यूनिका मीडिया। तो रक्तवाहिनियों का वो सतह मतलब आर्टरीज वेन और कैपिलरीज जिससे बनी हुई है उसका वो लेयर जो मांसपेशियों से बना है उसका नाम ट्यूनिका मीडिया है। तो कहता है इनमें से कौन सा ब्लड वेसल वो है जिसके अंदर मस्क्यूलर लेयर नहीं होता? आयोर्टा, वेन, कैपिलरी या आर्टरी? जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स का ऑप्शन क्या है। सो क्वेश्चन नंबर सिक्स का जवाब अभी दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, कैपिलरी। जल्दी बताइए। सरिता भी कह रही है सी, बाकी बच्चे देखते हैं कि क्या जवाब देते हैं।
निकिता कह रही है सी अचिंत्या सखारे, सी अनुपमा तनवर, सी एंड यस द करेक्ट ऑप्शन टू द क्वेश्चन इज कैपिलरी. वेरी गुड. कैपिलरीज का साइज इतना छोटा होता है ना कि उसके अंदर मस्क्यूलर लेयर नहीं होता. मस्क्यूलर लेयर जिसके अंदर होता है वो कौन है? आयोर्टा है, वेन है और आर्टरी है. देखो तो देखो ये जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये जो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, इन क्वेश्चन से आपकी बायोलॉजी और स्ट्रांग हो रही है, क्योंकि जो आप पढ़े हो उसके ऊपर आपको एक पॉलिश मिल रही है. आप देख सकते हो कि आपको इससे क्या जानने को मिला. आपको इससे ये जानने को मिला कि कैपिलरी के अंदर मस्क्यूलर लेयर नहीं होता है. दूसरी चीज़ आपको जानने की मिली कि आयोटा, वेन और आर्टरी में मस्क्यूलर लेयर होता है. और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जानने को मिली कि ब्लड वेसल के अंदर जो मस्क्यूलर लेयर होता है उसका नाम क्या है? ट्यूनिका मीडिया. क्लियर है? तो एक सवाल के अंदर बहुत सारे छिपे सवाल भी आप समझ रहे हो साथ ही साथ. अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, ब्लड इन अ सिस्टमिक वेन. सिस्टमिक वेन मतलब सिस्टम, जहां भी शब्द आएगा मैंने बताया था किससे रिलेटेड है? बॉडी के तरफ. ठीक है ना? तो बॉडी के तरफ से जो वेन आ रही होगी उसके बारे में बात हो रही है. तो कह रहा है कि बॉडी की तरफ से जो वेन आ रही है उसके अंदर जो ब्लड है उसकी बात की जा रही है. तो ब्लड इन अ सिस्टमिक वेन एज कंपेयर्ड टू सिस्टमिक आर्टरी जनरली हैव हायर. तो हम जानते हैं सिस्टम मतलब ये, यहां भी वही बात किया जा रहा है जो बॉडी से रिलेटेड है. और हम जानते हैं सिस्टमिक आर्टरी में कौन सा ब्लड होता है? प्योर ब्लड होता है. और सिस्टमिक वेन में कौन सा ब्लड होता है? इम्प्योर ब्लड होता है. क्योंकि वेन है मतलब शिरा है और शिरा में अशुद्ध रक्त रहता है. और सिस्टमिक वेन वही वेन है जो इम्प्योर ब्लड को शरीर से लेके फेफड़े की ओर जाते हैं. और सिस्टमिक आर्टरी वही आर्टरी यानी धमनी है जो शुद्ध रक्त को लेके आयोटा के थ्रू शरीर की ओर ले जाती है. अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस भी किया था. तो कहता है कि अगर हम रक्त का कंपैरिजन करें इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड का, तो कहता है कि उसमें कौन ज्यादा है? ब्लड इन सिस्टमिक वेन एज कंपेयर टू सिस्टमिक आर्टरी जनरली हैव हायर. कहता है कि जो सिस्टमिक वेन में जो इम्प्योर ब्लड है उसके अंदर क्या ज्यादा है किसके अपेक्षा? सिस्टमिक आर्टरी के अंदर जो प्योर ब्लड है उसके अपेक्षा. ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन, HCO3- आयंस यानी कार्बोनिक आयंस, हीमोग्लोबिन या उसका pH. जल्दी बताएं क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या है. तो ऑप्शन आने स्टार्ट हो गए हैं. सरिता कह रही हैं ऑप्शन नंबर ए गलत. प्रज्ञांशु कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी. सपना जोशी बी. रजनीश कुमार बी. अनुपमा तनवर भी बी. एंड यस, जो कार्बोनिक आयंस होती हैं वो सबसे ज्यादा होती हैं किसमें? सिस्टमिक वेन्स में. तो कार्बोनिक आयंस होती हैं किसमें? सिस्टमिक वेन्स में, जिसके वजह से ये हम कह सकते हैं कि अगर हम सिस्टमिक वेन में देखें तो कार्बोनिक आयंस होती हैं, और अगर हम सिस्टमिक आर्टरी की बात करें तो उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन होता है. तो ध्यान रखना ये बात. तो इसमें दो चीजें आप जानें कि सिस्टमिक आर्टरी में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है. और सिस्टमिक वेन में क्या होता है? कार्बोनिक आयंस ज्यादा होते हैं. कार्बोनिक आयंस ज्यादा होते हैं सिस्टमिक वेन्स में, और सिस्टमिक आर्टरी में ज्यादा क्या होते हैं? ऑक्सीजन होते हैं. तो इस सवाल के हिसाब से करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी. और अगर आपसे सवाल ऐसे पूछा होता कि ब्लड इन सिस्टमिक आर्टरी एज कंपेयर टू ब्लड इन सिस्टमिक वेन जनरली हैव हायर, मतलब अगर आपसे ये पूछता कि प्रणालीगत नस की तुलना में प्रणालीगत धमनी में आमतौर पर क्या अधिक है, तो उस कंडीशन में आपका जवाब होता है ऑक्सीजन. ठीक है ना? अभी चूंकि वेन्स का पूछा है कि वेन्स में ज्यादा क्या होता है, तो वेन्स में ज्यादा कार्बोनिक आयंस होती है. और अगर आर्टरीज में पूछता कि आर्टरीज में वेन्स की अपेक्षा क्या ज्यादा होता है, तो ऑक्सीजन होता है. हमारे आर्टरीज में क्या होता है? ऑक्सीजन ज्यादा होता है. अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस सामान्य परिस्थितियों में सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम डिक्रीजेस ड्यूरिंग एरोबिक एक्सरसाइजेस, जिसमें हम वेट्स का इस्तेमाल नहीं करते, मतलब किसी वजन का इस्तेमाल नहीं करते, जिसमें शरीर के स्ट्रेचिंग्स यानी खिंचाव तनाव जैसी स्थितियों का बनावट होता है, उसे हम एरोबिक्स कहते हैं. तो कहता है सामान्य परिस्थितियों में जो सर्कुलेटिंग ब्लड यानी जो परिसंचरण कर रहा होता है रक्त, उसका जो वॉल्यूम है यानी आयतन है वो क्या होता है? घट जाता है. कब?
ड्यूरिंग एरोबिक एक्सरसाइजेस यानी एरोबिक्स के दौरान, इसकी वजह क्या है? इट इज ड्यू टू व्हाट? डाइलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी एक्सरसाइज के दौरान जो रक्त वाहिनियां होती है वो फूलने लगती है। दूसरा ऑप्शन है इंक्रीज्ड फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर आउट ऑफ द कैपिलरीज टू एक्सरसाइजिंग मसल्स। कहता है कि जो एक्सरसाइज जो मसल्स एक्सरसाइज कर रहे होते हैं जिसमें रैपिड कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा होता है, उसमें तो कैपिलरी का भी सप्लाई है, मतलब छोटी छोटी शिराओं का भी सप्लाई है, तो उसके अंदर से जो वाटर है यानी जो जल है वो फिल्टर होकर बाहर निकल रहा होता है। तीसरा ऑप्शन है लो पंपिंग एक्टिविटी ऑफ हर्ट ड्यूरिंग एक्सरसाइज, हृदय का बहुत कम पंप करना एक्सरसाइज करने के दौरान। और चौथा ऑप्शन है एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इन द एक्सरसाइजिंग मसल, रक्त एक्सरसाइज करने के दौरान जो मांसपेशी है उसके अंदर रक्त का इकट्ठा होना। इसमें से सही जवाब क्या है कि सामान्य परिस्थितियों में जो रक्त की मात्रा है, जो परिसंचरण कर रही होती है, जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है, उसकी जो मात्रा होती है वो घट जाती है। ये परिस्थिति एकदम सही है। आपको बता दिया गया कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, नॉर्मल अगर कंडीशंस हो और अगर कोई एरोबिक्स कर रहा हो तो जो ब्लड फ्लो होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। जो सर्कुलेटिंग ब्लड हो जाती है उसका वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है। तो उसका रीजन क्या होता है, जल्दी से बताएं, ऑप्शन ए है, बी है, सी है या डी है? तो सरिता कह रही है ऑप्शन नंबर ए, अनुपमा तनवर कह रही है ऑप्शन नंबर ए, बाकी लोगों का जवाब गोपाल चौहान बी कह रहे हैं, निकिता ठाकुर सी कह रही हैं, रजनीश कुमार बी कह रहे हैं। देखते हैं और बच्चे का क्या कहना है। आई एम गिविंग 5 मोर सेकंड्स टू दिस क्वेश्चन। और इसका सही जवाब देने वाले रजनीश कुमार जी हैं। यस, इंक्रीज्ड फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। बेटा ना ही ऐसा होता कि आप एक्सरसाइज करोगे तो ब्लड वेसल्स फूलने लगे। बेटा ब्लड वेसल्स अगर फूलेंगे तो ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और आप जानते हो कि ब्लड फ्लो कम होगा तो ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, जबकि एक्सरसाइज करने के दौरान लो पंपिंग तो होता ही नहीं, मतलब सी नंबर ऑप्शन तो पहले ही गलत। और दूसरी बात, अगर डायलेट होगा तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, तो ये भी गलत है। तीसरा बताया है कि एक्सरसाइज करने के वक्त मांसपेशियों में ब्लड जम जाता है, ऐसा भी तो नहीं बात है। तो सही जवाब क्या है कि एक्सरसाइज करने के वक्त कैपिलरीज के अंदर से वाटर क्या होता है, फिल्टर होके बाहर निकल रही होती है। अंडरस्टैंडिंग, जो एक्सेसिव वाटर होती है हमारे बॉडी में एक्सरसाइज करने के वक्त, वो सब क्या होता है, कैपिलरीज के अंदर से जो एक्सेसिव वाटर होती है वो क्या होता है, वो ऊज आउट होने लगती है। सो करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल स्क्रीन पे ये रहा। Which of the following is commonly known as pace setter of heart? इनमें से किसे हम pace setter कहते हैं? हम जानते हैं कि pacemaker हम ऐसे node को कहते हैं, तो clear है कि option number B तो नहीं होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है इनमें से pace setter कौन है? जल्दी बताएं क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब क्या होगा, जल्दी बताएं। थोड़ा सा स्पीड ले, है ना, कम से कम 20 सवाल डिस्कस होना चाहिए, है ना, 45 मिनट में 20 सवाल होना चाहिए। आपकी स्पीड बहुत कम है, एग्जामिनेशन में इतना नहीं होगा। मैं तो अभी समझा रहा हूं इसलिए टाइम ज्यादा दे रहा हूं। सो अनुपमा तनवर 9 का ए, गोपाल चौहान ए, एंड यस द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो गाइज क्वेश्चन कैसा लग रहा है ये बताइए, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चंस की क्वालिटी कैसी है, मजा आ रहा है सॉल्व करने में, ऐसा लग रहा है कि हाँ जो पढ़ा है उसका एक अच्छा प्रिपरेशन भी हो रहा है साथ ही साथ। गाइज देखो, ये जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ ना, इन क्वेश्चंस में छुपे 3-4 क्वेश्चंस और हैं जिससे आपको रैंडमली करीबन एक एक टॉपिक के लिए 40-50 MCQs ऑटोमेटिकली तैयार हो रहे हैं। तो ये जो वीडियोज हैं उनको संभाल के रखना और बाद में इसे नोट्स बना लेना, ठीक है ना। इसके हैंडआउट्स वगैरह मैं रोज अपलोड करवा ही देता हूँ, ठीक है। तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। मैं इसे सेशन के एंड में अपलोड करवा दूंगा, तो यू विल गेट विद इन 2-3 आवर्स। तो इन क्वेश्चंस को बाद में प्रैक्टिस किया करो और इसे MCQ के अपने बैंक में सजाया करो ताकि रिविजन में आपका ये काम आए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10, अक्यूट चेस्ट पेन अपीयर्स, बहुत ज्यादा अगर सीने में दर्द हो, व्हेन नो एनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग द हर्ट मसल, कब,
जब हृदय की मांसपेशियों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलता। बहुत ज्यादा सीने में दर्द तब होता है जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलता, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एंजाइना पेक्टोरिस, आर्थेरोस्क्लेरोसिस, हर्ट फेलियर या हर्ट ब्लॉक। ध्यान दीजिएगा, अक्यूट चेस्ट पेन बोला है, दर्द के बारे में बात किया है। तो दर्द किसे कहते हैं आपको जान याद होना चाहिए। मैंने बता रखा है कि पेन ऑफ हर्ट मसल्स, जब हृदय की मांसपेशियों में दर्द हो, पेन ऑफ हर्ट मसल्स को हम लोग एनजाइना कहते हैं। पेन ऑफ हर्ट मसल्स को हम लोग क्या कहते हैं? एनजाइना कहते हैं, ठीक है। सो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ये सब आप लोग को एकदम विद इन सेकेंड्स देना चाहिए था। यस, रजनीश ने और सपना ने बहुत सही जवाब दिया। यस, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1A। ठीक है, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। आपने देखा होगा कि अभी क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सही था, मतलब एकदम इजी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चंस में से एक था। क्वेश्चन नंबर 9 इजी क्वेश्चंस में से एक था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग था, इजी था लेकिन थोड़ा अंडरस्टैंडिंग था। क्वेश्चन नंबर 7 जो था वो भी इजी था। क्वेश्चन नंबर 6 जो था वो भी इजी था। क्वेश्चन नंबर जो 5 था वो भी इजी था। क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो भी इजी था। क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो थोड़ा सा टफ था। तो क्वेश्चन में आप ऐसे ही एक्सपेक्ट करोगे कि 10 क्वेश्चन में सात सात इजी हैं तो दो मॉडरेट हैं तो एक हार्ड होगा ही होगा, ठीक है ना। तो ये आपको एक्सपेक्ट करके चलना है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग कलेक्टिंग डक्ट। आपको पता होना चाहिए कि कलेक्टिंग डक्ट मतलब संग्रहण नलिका की बात हो रही है। और भैया संग्रहण नलिका मतलब किसकी बात हो रही है? ये एक नेफ्रॉन की बात की जा रही है। तो ध्यान दीजिएगा, अब सीधे हम बात कर रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो कहता है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नेफ्रॉन के कलेक्टिंग डक्ट यानी संग्रहण नलिका के बारे में सही नहीं है। पहला ऑप्शन, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द कॉर्टेक्स टू मेड्यूला। हम जानते हैं कि किडनी का दो हिस्सा होता है, बाहर वाले हिस्से को हम कॉर्टेक्स कहते हैं और अंदर वाले हिस्से को हम मेड्यूला कहते हैं। तो कहता है कि जो कलेक्टिंग डक्ट है वो कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो कॉर्टेक्स से मेड्यूला तक। पहला ऑप्शन ये। दूसरा कहता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी एब्जॉर्ब्ड बाय इट टू प्रोड्यूस कंसेंट्रेटेड यूरिन। कहता है कि ज्यादा मात्रा में वो जल क्या कर सकता है, अवशोषित कर सकता है, जिससे कंसेंट्रेटेड यूरिन बन पाए। कंसेंट्रेटेड मतलब जिसमें जल की मात्रा क्या हो, कम हो, ठीक है ना। अगर बॉडी अब्सॉर्ब कर लेगा वापस से वाटर, तो ऑब्वियस बात है कि यूरिन में अगर वाटर की कमी हो जाए तो वो क्या हो जाएगी, कंसेंट्रेटेड हो जाएगी, क्लियर है। तीसरा मतलब एसिडिक हो जाएगी। तीसरा ऑप्शन है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया डिफ्यूजेस इनटू इट फ्रॉम द मेड्यूला टू कीप अप द ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी मतलब किडनी के अंदर जल, मतलब शरीर के अंदर जल के मात्रा को बराबर रखना, वाटर बैलेंस। आप एक शब्द में समझो वाटर बैलेंस, ठीक है ना। तो कहता है ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए मेड्यूला क्या करता है, अपने अंदर से थोड़ी थोड़ी मात्रा में यूरिया बाहर निकालता है, ठीक है ना। और ये किसकी वजह से, तो बता रहा है कलेक्टिंग डक्ट के वजह से। तो कहता है कि कलेक्टिंग डक्ट, तो कलेक्टिंग डक्ट किसका पार्ट है, नेफ्रॉन से, और नेफ्रॉन से ही किडनी बना है। तो अगर हम नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं या किडनी की बात कर रहे हैं, मतलब दो एक ही बात कर रहे हैं। तो कह रहा है कि किडनी का जो मेड्यूलरी हिस्सा है जो कि नेफ्रॉन से ही बना है, वो क्या करता है, बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस को बनाए रखने के लिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में यूरिया को छोड़ता है। क्या ये सही है? या चौथा ऑप्शन, इट प्लेज अ वाइटल रोल टू मेंटेन पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ ब्लड। ब्लड के अंदर पीएच को और ब्लड की आयनिक बैलेंस को, मतलब आयन की जो मात्रा होती है उसके बैलेंस को बरकरार रखने में इसका अहम रोल है, इसका अहम रोल है। आपको बताना है कि इनमें से गलत क्या है, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि कलेक्टिंग डक्ट के रिलेटेड तीन स्टेटमेंट्स इनमें से क्या है, सही है। तो याद रखना, इस क्वेश्चन में आपको चार चीजें सीखने को मिलेंगी, एक तो गलत क्या है और तीन सही क्या है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 11 में कलेक्टिंग डक्ट के रेस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट गलत लिखा गया है, ए बी सी या डी। पहला ऑप्शन है ओनली वन, दूसरा ऑप्शन है ओनली थ्री, तीसरा ऑप्शन है टू एंड थ्री, और चौथा ऑप्शन है वन एंड फोर कलेक्टिंग डक्ट के बारे में। जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब क्या है। रजनीश कुमार कह रहे हैं 11 का सर सी होगा।
प्रज्ञांशु सेठी कह रहे हैं सी सरिता राठी, सी सी मतलब दो और तीन मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। ऑब्वियस बात है कि कभी भी यूरिन को कंसंट्रेट करने का काम तो करेगा नहीं कलेक्टिंग डक्ट, मतलब ये तो ऑब्वियस बात है गलत है। दूसरा स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया को डिफ्यूज करता है, यस मेड्यूला कभी ऐसा नहीं करता कि स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया डिफ्यूज करेगा, नेफ्रॉन का कभी वो हिस्सा यूरिया अलग से डिफ्यूज नहीं करता, वो हमारे बॉडी में बनता है। तो इसका काम क्या है सही कि कॉर्टेक्स से मेड्यूला तक एक्सटेंडेड है, और दूसरा क्या है कि इसका वाइटल रोल है पीएच और आयंस को मेंटेन करने में। कैसे करता है ये, सिक्रीट करके, क्या एच प्लस आयंस और के प्लस आयंस। तो एच प्लस आयंस और के प्लस आयंस जब कलेक्टिंग डक्ट सिक्रीट करता है मतलब जब वापस छोड़ता है तो उससे क्या होता है हमारा ब्लड का पीएच और ब्लड का के अंदर जो आयंस हैं उनकी मात्रा मेंटेन रहती है। तो आपको इस क्वेश्चन में देखिए दो चीजें समझ में आ, दो चीजें सही समझ में आई, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर वन और ऑप्शन नंबर टू किससे रिलेटेड, कलेक्टिंग डक्ट के रिलेटेड। सो करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड, बढ़िया, इसका मतलब आप सब पढ़ रहे हो। अगला सवाल रीड द स्टेटमेंट्स। बेटा इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल, रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो, नीचे दिए गए बयानों को पढ़ें। कहता है ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन ट्यूब्यूलर सेल्स सिक्रीट सब्सटेंसेस सच एज एच प्लस के प्लस एंड एन एच थ्री इन टू द फिल्ट्रेट। अभी आपने देखा जो कि सही जवाब भी था कलेक्टिंग डक्ट के लिए कि कलेक्टिंग डक्ट हमारे ब्लड के पीएच और आयन बैलेंस को मेंटेन करने के लिए क्या करता है, एच प्लस और के प्लस सिक्रीट करता है। मतलब अगले ही सवाल में आपको एक हेल्प मिल गया कि हाँ ये बात सही है कि यूरिन फॉर्मेशन के दौरान ट्यूब्यूलर सेल्स क्या करते हैं, एच प्लस और के प्लस का सिक्रीशन करते हैं, किसमें, फिल्ट्रेट में, मतलब जो यूरिन बन रहा होता है। दूसरा कहता है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेट इज प्लाज्मा माइनस प्रोटीन्स, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है ग्लोमेरुलस और बाउमेंस कैप्सूल के बीच, वो जो फिल्ट्रेट उसका निकलता है उसमें होता क्या है, तो प्लाज्मा रहता है उसमें लेकिन प्लाज्मा के अंदर उसकी प्रोटीन्स नहीं होती। जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट निकलता है उसके अंदर प्लाज्मा तो होता है लेकिन प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा की उसकी प्रोटीन नहीं होती। और आपको पता होना चाहिए कि प्लाज्मा के अंदर से प्लाज्मा की प्रोटीन निकाल दी जाए तो उसे हम कहते हैं सीरम, मतलब फिल्ट्रेट में क्या रहता है, सीरम पाया जाता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन बोलता है लूप ऑफ हेनली कंजर्व्स वाटर, हेनली का जो झूला है, आपको पता होना चाहिए कि जो नेफ्रॉन का दूसरा पार्ट है लूप ऑफ हेनली जिसे हम हेनली का झूला कहते हैं, वो क्या करता है, सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन करता है इंपॉर्टेंट आयंस का। तो कहता है लूप ऑफ हेनली कंजर्व्स वाटर, मतलब जल का संग्रहण करता है। और चौथा ऑप्शन, ऑल ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स आर रीअब्सॉर्ब्ड इन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, आगे में घूमी हुई नलिका में जितना भी ग्लूकोज बह के जा रहा होगा और जितना अमीनो अम्ल बह के जा रहा होगा जो कि प्रोटीन है, वो वापस अब्सॉर्ब यानी अवशोषित होती है नेफ्रॉन के कौन से खंड में, तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। कहता है कि इनमें से दिया गया कौन सारे स्टेटमेंट सही हैं, थ्री या फोर, वन टू या फोर, वन या फोर या वन टू थ्री फोर, चारों जल्दी से बताइए इसमें सही जवाब कौन सा है, ए बी सी या डी, ट्वेल्थ का सही जवाब क्या है। तो अनुपमा का एक सवाल है, सर इज आयोर्टा सिस्टमिक आर्टरी और बोथ आर डिफरेंट, आयोर्टा ही सिस्टमिक आर्टरी है अनुपमा, ठीक है जल्दी बताइए। हाँ रजनीश, आपने लास्ट क्वेश्चन में उल्टा सोच लिया था, ठीक है जल्दी बताएं इनमें से सही क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब आने लगा है, अनुपमा कह रही है बी, प्रज्ञांशु भी कह रही है बी, देखते हैं और बच्चे क्या कह रहे हैं, देखते हैं, लेट सी। बाकी बच्चे, सरिता राठी कह रही है वन मतलब थ्री और फोर, और अनुपमा और प्रज्ञांशु ने कहा है वन टू और थ्री, रजनीश कह रहे हैं ऑल डी, एंड यस रजनीश इज करेक्ट, द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर फोर। बच्चे यूरिन फॉर्मेशन के दौरान ट्यूबुलर सेल्स एच प्लस के प्लस और एन एस थ्री फिल्ट्रेट में गिराते हैं, साथ ही साथ अल्ट्रा फिल्ट्रेट क्या है, तो और कुछ नहीं सीरम है, प्लाज्मा माइनस प्रोटीन्स, लूप ऑफ हेनली
का जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली है वो क्या करता है, वाटर कंजर्व करता है, और ग्लूकोज और अमाइनो एसिड जो हैं वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या होती है, अवशोषित भी होती हैं। तो इनमें से चारों ऑप्शंस ये सही है, समझ में आ रहा? तो करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4 यानी डी। ठीक है, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, मतलब तीन स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में देखिए आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलती है। पहला पहला ऑप्शन है, ग्लूकोज इज एक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड इन द पीसीटी, मतलब सक्रिय तरीके से ग्लूकोज जो है वो पीसीटी में अब्सॉर्ब होता है। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि ग्लूकोज जो है वो अब्सॉर्ब होता है पीसीटी में, मतलब अगले सवाल में ये जो ऑप्शन है वो तो एकदम सही है कि ग्लूकोज जो होता है वो रीअब्सॉर्ब होता है। अब आपको चेक करना है कि एक्टिवली होता है कि नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है एक्टिवली ही होता है, शरीर को जरूरत है तो सक्रिय तरीके से वो कर लेती है। दूसरा, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी पीछे में जो घुमी हुई नलिका है इज केपेबल ऑफ सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ एच प्लस के प्लस एंड एन एच थ्री, कहता है कि एच प्लस के प्लस और एन एच थ्री को वो अपने निजी हुक्म के आधार पे, मतलब डीसीटी के पास इतनी कैपेबिलिटी यानी सक्षमता होती है कि वो चुन चुन के अगर चाहे तो कभी एच प्लस को, कभी के प्लस को, और या कभी एन एच थ्री को वो क्या करे, सिक्रीट करे यानी श्रावण करे उसका। तीसरा ऑप्शन है, सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, एनए प्लस इन द फिल्टरेड आर रीअब्सॉर्ब्ड एक्टिवली, जितने भी ये सब सब्सटेंस आप देख रहे हो, ग्लूकोज हो, अमाइनो एसिड हो या सोडियम हो, वो वापस से मतलब फिल्ट्रेट यानी यूरिन से क्या होते हैं, अवशोषित हो जाते हैं आसानी से यानी सक्रिय तरीके से। और चौथा ऑप्शन है एडीएस यानी एंटी डायोरेटिक हार्मोन, मैंने बताया था ये क्या करता है, वाटर बैलेंस करता है। तो एडीएच जो हार्मोन है वो कह रहा है इट हेल्प्स इन वाटर एलिमिनेशन मेकिंग यूरिन हाइपोटोनिक, एडीएच हेल्प्स इन वाटर एलिमिनेशन मेकिंग यूरिन हाइपोटोनिक। और हाइपोटोनिक का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, हाइपोटोनिक क्या होता है और हाइपरटोनिक क्या होता है, ठीक है ना, हाइपो मतलब लेस, ठीक है ना। तो एडीएच हेल्प इन वाटर एलिमिनेशन, कहता है कि एडीएच क्या करता है, जल को बाहर निकलता है, निकालता है, जिससे यूरिन क्या हो जाता है, हाइपोटोनिक मतलब यूरिन में जल की मात्रा कम हो जाती है। बताइए इनमें से गलत जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइए। सारे ऑप्शंस अगर आपने सुने मेरे तो आराम से जवाब दे सकते हो। ग्लूकोज ये पहला ऑप्शन तो हमें पिछले क्वेश्चन से ही मिल गया कि ये सही है, डीसीटी आराम से जब मन करेगा उसे एच प्लस निकालेगा, जब मन करेगा के प्लस निकालेगा, जब मन करेगा एन एच थ्री निकालेगा। तो जी हाँ, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के पास ये कैपेबिलिटी होती है। तीसरा, ग्लूकोज अमाइनो एसिड और सोडियम फिल्ट्रेट से रीअब्सॉर्ब्ड होते हैं, वो भी सक्रिय तरीके से, बॉडी कंट्रोल करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है। तो ये तीन तो सही है, तो गलत क्या हुआ, ये गलत हुआ, कहता है एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन वाटर को निकालता है जिससे यूरिन क्या हो जाता है, हाइपोटोनिक मतलब उसमें जल की मात्रा कम हो जाए। तो बच्चे एंटी डायूरेटिक हार्मोन वाटर बैलेंस जब करेगा तो वो यूरिन को कभी हाइपोटोनिक क्यों करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें डी ऑप्शन किसका सही हुआ था, करेक्ट ऑप्शन इसमें अनुपमा का थी, अनुपमा और सरिता ने सही जवाब दिया है, अचिंत्या ने भी सही जवाब दिया है, प्रज्ञांशु ने भी दिया है, रजनीश का इस बार गलत हो गया। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पेयरिंग रिगार्डिंग अ स्पेसिफिक डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखो सामने आपको चारों ऑप्शंस में एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र के डिजीजेस के बारे में दिया गया है, यूरेमिया, रीनल कैलक्यूली यानी जो किडनी स्टोन होता है उसे हम रीनल कैलक्यूली कहते हैं, उसके बाद ग्लोमरुलर नेफ्राइटिस मतलब जो ग्लोमरुलस होता है, जो कैपिलरीज होती है अगर वो फूल जाए तो उस बीमारी को ग्लोमरुलर नेफ्राइटिस कहते हैं, और डायोरेसिस ये यूरिन से रिलेटेड एक बीमारी है, ठीक है ना। तो कहता है कि चारों मैचिंग्स दिए गए हैं, बताइए कि इनमें से इनकरेक्ट पेयर कौन सा है, मतलब तीन इसमें सही है एक गलत है, आपको पता करना है कि इसमें गलत क्या है। अब देखिए किडनी स्टोन होता क्या है, तो किडनी स्टोन्स आर नथिंग बट स्टोन ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट फॉर्म्ड विद इन द किडनी, ये एकदम सही है, एक मैंने हेल्प कर दिया, मतलब बी तो नहीं होगा। आप बताइए ए सी डी में सही जवाब कौन सा है, जल्दी से बताएं। ग्लोमरुलर नेफ्राइटिस, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन मतलब यहाँ सही लिखा हुआ है, ग्लोमरुलो मतलब जब ग्लोमरुलस में इन्फ्लामेशन हो जाए, मतलब बी और सी भी सही जवाब है, मतलब बी और सी तो नहीं हो सकता, तो या तो ए या तो डी। अब बताइए इसमें सही जवाब क्या है, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता,
सरिता कह रही है डी, अचिंत्या सकारे कह रहे हैं डी, अनुपमा तनवर कह रही है डी, और मैं बताऊं बच्चों आप सभी का जवाब गलत है। द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, यूरेमिया, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन यूरिन। ये गलत है, इसमें से ये जो ऑप्शन है ये गलत है, ये तीनों तो सही है। एक्सक्रीटरी वॉल्यूम ऑफ यूरिन इंक्रीजेस, जब भी यूरिन की तादाद बढ़ जाए तो उसे हम कहते हैं डाईयूरेसिस, ये सही है। रीनल कैलकुलिन के लिए ये ऑप्शन सही लिखा गया है, लेकिन जब यूरिन में यूरिया ये अक्यूमुलेट यानी संग्रहित हो जाए तो उसे यूरेमिया नहीं कहते, समझ रहे हैं? वाटर से रिलेटेड है यूरेमिया। सो करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर वन, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? अगला सवाल, ड्यूरिंग मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन, जब मांसपेशी, आप देखो ये थोड़ा एक क्वेश्चन आ गया थोड़ा टफ वाला, ठीक है ना? अभी तक मॉडरेट आ रहा था, थोड़ा टफ आ गया, मैं इजी भी नहीं कहूंगा, पिछले क्वेश्चन को मॉडरेट था लेकिन एक टफ क्वेश्चन आ गया। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मसल के बारे में पढ़ना जरूरी है कि मसल का दो हिस्सा होता है, जो व्हाइट वाला हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं फेशिया, और अंदर वाला जो हिस्सा होता है वो रेड कलर का होता है वो होता है सार्कोप्लाज्म या सार्कोलेमा, मसल का जो लेयर होता है। तो कहता है ड्यूरिंग मस्क्यूलर, और वो अंदर जब आप सार्कोमियर और सार्कोप्लाज्म को पढ़ोगे, फैसिक्यूलिस वगैरह को, तो उसके अंदर आपको एच जोन, आई जोन, एम जोन, जेड जोन के बारे में बताया जाता है। तो कहता है जी कि जब मांसपेशियों में संकुचन होगी यानी मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इनमें से कौन सी घटनाएं होगी? एच जोन डिसअपियर कर जाता है, ए बैंड जो होता है वो चौड़ा हो जाता है, आई बैंड जो होता है वो घट जाता है चौड़ाई में, या ए बैंड का जो चौड़ाई होता है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, या पांचवा ऑप्शन एम लाइन और जेड लाइन एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। बताइए इनमें से सही जवाब क्या है, ऑप्शन 1, 2, 3 या 4? मतलब वन ऑप्शन नंबर 1 है 1, 3, 4 एंड 5, ऑप्शन नंबर 2 है 1, 2 एंड 5, ऑप्शन नंबर 3 है 2, 4 एंड 5 एंड ऑप्शन नंबर 4 है 1, 2 एंड 3। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें से काफी बच्चे इस सवाल का जवाब पिछले क्वेश्चन में इनकरेक्ट बताना था, आप लोग सही की तरफ जा रहे थे, इसमें इनकरेक्ट बताना था, ठीक है ना? चलिए तो मैं बता दूं मस्क्यूलर कंट्रैक्शन के बारे में, अगर आपको नहीं पता तो मस्क्यूलर कंट्रैक्शन के दौरान एच जोन जो होता है, एच जोन जो होता है वो डिजपियर कर जाता है, साथ ही साथ आई बैंड क्या करती है रिड्यूस कर जाती है अपने विड्थ यानी चौड़ाई में, उसके बाद ए बैंड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, और एम लाइन और जेड लाइन एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। तो इसमें से गलत क्या था कि ए बैंड चौड़ा हो जाता है, बस यही गलत था, वरना जब भी मांसपेशी सिकुड़ती है तो उसके अंदर ये सारी घटनाएं होती हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो देखो इस सवाल में भी आपको चार नई चीजें जानने को मिले ना, कि मसल जब कंट्रैक्ट करती है तो उसके अंदर का एच जोन डिसअपियर कर जाता है, आई बैंड अपने चौड़ाई में घट जाता है, ए बैंड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, और एम लाइन और जेड लाइन आसपास क्लोज आ जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है? सो करेक्ट ऑप्शन टू क्वेश्चन नंबर 15 इज ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल स्क्रीन पे ये रहा, फॉलोइंग इज गिवन अ रैंडमली अरेंज्ड लिस्ट ऑफ इवेंट्स दैट ऑकर एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन टू ट्रिगर मसल कॉन्ट्रैक्शन। कहता है कि बहुत सारी यहाँ पे इवेंट्स दी गई हैं, घटनाएं दी गई हैं जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे होती है, मतलब जहां मांसपेशी तंत्रिकाओं के साथ मिलती है उसे हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। तो कहती है कि निम्नलिखित दी गई परिस्थितियां, ऐसी परिस्थितियां हैं जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे घटती हैं, क्या करने के लिए? ताकि मांसपेशियां कॉन्ट्रैक्ट करें। तो देखिए कितना अच्छा सवाल है, जो चीज आप नहीं जानते वो आप जानोगे भी, कि जब भी आपकी मांसपेशी कॉन्ट्रैक्ट करती है, जैसे आप कोई वजन ही उठाते हो तो मसल्स उस समय कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उस समय एग्जैक्टली न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे होता क्या है ये इस क्वेश्चन से आप जानोगे, और यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। बताइए इसमें से सही सीक्वेंस क्या है, मतलब जो भी चीज लिखा गया है ये सारी चीजें होती हैं, आपसे पूछा गया है कि सही सीक्वेंस क्या है, पहले क्या होता है उसके बाद क्या होता है। पहला ऑप्शन है रिसेप्टर साइट्स ऑन सार्कोलेमा, दूसरा है नर्व इम्पल्स, तीसरा है रिलीज ऑफ कैल्शियम 2+ फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चौथा न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन इज रिलीज। एसिटाइल कोलिन क्या है? तो मैं बता दूं एक न्यूरो ट्रांसमीटर है, ठीक है ना, जो न्यूरल इम्पल्स को ट्रांसमिट करने के लिए काम आता है। सार्कोमियर शॉर्ट एंड सार्कोमियर क्या है? तो जिससे मसल बना होता है उसे हम सार्कोमियर कहते हैं। और साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है? तो जहां पे हमारे न्यूरॉन्स आके मिलते हैं उसे हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं।
कैल्शियम प्लस का सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलना, जो मसल का लेयर है उससे कैल्शियम का निकलना, नर्व इम्पल्स मतलब तंत्रिकाओं में आवेश का आना, और सबसे पहला ऑप्शन है रिसेप्टर साइट्स ऑन सार्कोलेमा, मतलब सार्कोलेमा पे ग्राही केंद्रों का निर्माण होना। तो सही सीक्वेंस आपको बताना है। मैं आपको इसके लिए 30 सेकंड का टाइम देता हूँ, सोच के बताइए कि जब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स हो रहा होगा तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, तंत्रिकाओं में आवेश जनरेट होना चाहिए या ग्राहियों का केंद्र खुलना चाहिए सार्कोलेमा पे, या सार्कोमियर को शॉर्टन होना चाहिए, साइनाप्टिक क्लेफ्ट पे सारे न्यूरॉन्स को मिलना चाहिए, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन को रिलीज करना चाहिए, या फिर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयंस का रिलीज होना चाहिए, क्या होगा एक के बाद क्या होगा, सीक्वेंस क्या होगा। तो रजनीश कुमार कह रहे हैं सर क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 4 होगा, प्रज्ञांशु भी 4 कह रहे हैं, आयुषी कुमारी 3 कह रही है, जल्दी बताइए, सरिता राठी सी कह रही है, और बच्चे जल्दी बताएं, सोच के बताएं, समय है आपके पास 15 सेकंड और हैं। देखो मैं यहां पे ना रेड से बना दे रहा हूं कि सबसे पहले क्या होगा, यार थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना था कि अगर ये वर्क हो रहा है तो वर्क करने के लिए एनर्जी की जरूरत है, तो सबसे पहले नर्व में इंपल्स जनरेट हुआ होगा, नर्व में इंपल्स जनरेट होने के बाद ये इंपल्स न्यूरॉन्स के थ्रू कहां आई होगी, साइनेप्टिक क्लेफ्ट पे, तो बी के बाद क्या होगा, सॉरी न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ होगा, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ होगा, ये क्या करेगा इस इंपल्स को लेके आगे बढ़ेगा, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर ही तो न्यूरल इंपल्स को लेके बढ़ेगा, तो पहला होगा न्यूरल नर्व इंपल्स, उसके बाद होगा न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा, उसके बाद क्या होगा साइनेप्टिक क्लेफ्ट पे ये पहुंचेंगे जहां पे न्यूरॉन्स का जंक्शन होता है, और साइनेप्टिक क्लेफ्ट से सार्कोलेमा पे रिसेप्टर साइट्स बने होंगे, जो मसल का साइट होगा वहां तक ये पहुंचेंगे, मतलब ये होगा नंबर 4, और उसके बाद ये पहुंचेगा, उसके बाद कैल्शियम रिलीज होगा, उसके बाद कैल्शियम रिलीज होगा, और कैल्शियम रिलीज होने के बाद फाइनली सार्कोमियर शॉर्टन होगा, और जब सार्कोमियर शॉर्टन होगा मतलब मसल फाइबर शॉर्टन हो रहा है, और मसल फाइबर शॉर्टन हो रहा है मतलब मसल शॉर्टन हो रहा है, सार्कोमियर है क्या, ये मसल फाइबर है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट सीक्वेंस होगा, ऑप्शन नंबर बी, बी डी एफ ए सी ई, अनुपमा का गलत जवाब है, अंकित कुमार सही है, और इसमें कोई तो मुझे सही नहीं दिख रहा, ठीक है। सो करेक्ट सीक्वेंस देखिए, सबसे पहले नर्व इंपल्स जनरेट होगा, नर्व इंपल्स के बाद न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा, उसके बाद वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर पहुंचेंगे, ये तीन चीजें तो आपको समझ में आना चाहिए कहां हो रहा है, 1, 2 और 3 कहां हो रहा है, तो 1, 2 और 3 जो है आप देखिए इसमें, ये जो बी डी और एफ हो रहा है वो कहां हो रहा है, ये तो न्यूरॉन के अंदर ही हो जा रहा है ना, ये तो न्यूरॉन के अंदर ही हो जा रहा है, और ए सी और ई कहां हो रहा है, ये हो रहा है मसल फाइबर पे, ये मसल फाइबर पे हो रहा है डायरेक्ट, और इसके बीच आया क्या, तो न्यूरल इंपल्स आया, कहां से आया, तो वो न्यूरॉन से अंदर से जनरेट हुआ नर्व इंपल्स, और कहां तक पहुंचा, तो हमारे मसल फाइबर तक पहुंचा, जिसके वजह से क्या हुआ, मसल कॉन्ट्रैक्शन ट्रिगर्ड हुआ। कैसा सवाल था ये, बढ़िया सवाल था ना, जबरदस्त। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हेल्प इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये देखो कितना आसान सा सवाल आ गया, बोलता है कि कौन सा आयन मसल के कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है, K प्लस Mg2 प्लस Na प्लस K प्लस Ca2 प्लस Na2 प्लस Ca2 प्लस या Mg2 प्लस, पोटेशियम के, सोडियम के, कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, पेयर बना के दिया गया, बताइए ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा इसमें मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में सहायक है। हां अंकित आपने सही बोला था। क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब दे, और गाइस जब भी जवाब दो ना तो साथ में ऑप्शंस अपने लिखो, क्वेश्चन नंबर 17 का ही है, क्वेश्चन नंबर 18 का ही है, ऐसे लिखो ठीक है, जल्दी बताएं। एग्जैक्टली ये सब एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है बच्चे, अगर आप लोग एनसीईआरटी वगैरह, क्योंकि याद रखना कि जितने भी गवर्नमेंट वैकेंसी के एग्जामिनेशन होते हैं वो सारे फॉलो करते हैं स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी को, तो अगर आपने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ा है तो ऐसा कोई मतलब ही नहीं है कि कहीं से कुछ पूछ दिया जाए और आप जवाब नहीं दे पाओगे। तो बताइए मसल के कॉन्ट्रैक्शन में कौन से आयंस मदद करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब क्या है, अनुपमा कह रही है डी, देखते हैं बाकी बच्चों का जवाब क्या है, लेट्स सी।
अंकित कह रहे हैं सी, अचिंत्या कह रहे हैं डी, अचिंत्या कह रहे हैं डी, एंड यस अचिंत्या इज राइट, अचिंत्या इज राइट। कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस के वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जामिनेशंस के, ध्यान रखना, और आपको निजी जानकारी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिए कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस की वजह से ही मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है। सोडियम और पोटेशियम तो ये एक्शन पोटेंशियल रिलीज करते हैं, ठीक है ना, एनर्जी रिलीज करते हैं। जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस की वजह से होता है। अभी तो आपने पढ़ा ना थोड़ी देर पहले कि कैल्शियम आयंस रिलीज हुआ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, तो मसल्स कंट्रैक्ट किया। तो एक चीज तो कंफर्म था कि सी एफ टू प्लस होगा, मतलब किसी भी हालात में ए और बी तो होने नहीं थे। तो दूसरा ऑप्शन क्या बचा था, सोडियम और मैग्नीशियम है, और सोडियम एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर ले के करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये भी आपने पिछले क्वेश्चंस में पढ़ा था। सो थोड़ा सा एनालॉजी लगाइए तो आप जवाब दे पाओगे, ठीक है। अगला सवाल, आइडेंटिफाई द नॉन मैचिंग पेयर, इनमें से मैच कौन नहीं करता ये बताना है। और बता दूं ये जो क्वेश्चन है ये आपके स्केलेटल सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र से है, तो जल्दी से बताइए। ये स्केलेटल सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र से ये सवाल है, कहता है कि नॉन मैचिंग पेयर जो है उसे आइडेंटिफाई करें, गैर मिलान जोड़ी की पहचान करें। ग्लेनॉइड कैविटी, ग्लेनॉइड कैविटी मतलब तीन सही है एक गलत है। कहता है ग्लेनॉइड कैविटी, ये कहाँ का कैविटी है भाई, तो स्कैप्यूला, जो कान की तरफ पीठ की तरफ जो आपने दो हड्डी देखा होगा ना पीछे की तरफ, जो ये हड्डी दिखती है पीठ ऐसे करोगे ना तो पीछे की तरफ जो ऐसी हड्डी दिखती है उसे हम स्कैप्यूला कहते हैं। मैं आपको बना के दिखाता हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। ये होता है ऐसे स्कैप्यूला, ऐसे होता है स्कैप्यूला, ठीक है ना। और ये आपके सीने के बीच से यहाँ पे एक हड्डी आती है जिसे हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं और कॉलर बोन भी कहते हैं, इसका नाम है क्लेविकल। और यहीं से आपके हाथ वाली हड्डी जुड़ी होती है जिसका नाम है ह्यूमरस। तो ये हड्डी है ह्यूमरस, ये ह्यूमरस है, और ये इस पूरे जॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, शोल्डर कहते हैं। तो कहता है कि स्कैप्यूला का जो ये कैविटी है, ये जो स्कैप्यूला का जो कैविटी है उसे हम क्या कहते हैं, ग्लेनॉइड कैविटी। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि कैविटी ऑफ पेल्विक गर्डल, जो हमारी कुल्हास्थी है, आपको पता है कि आपकी जो कुल्हास्थी है, जो हिप बोन है, वो कुछ ऐसी दिखती है, वो कुछ ऐसी दिखती है। तो कहता है कि कुल्हास्थी का जो ये कैविटी है जिसका नाम एसिटाब्यूलम है, वो उसका नाम एसिटाब्यूलम है। दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि पेल्विक गर्डल का जो ये कैविटी है इसका नाम है एसिटाब्यूलम। स्कैप्यूला का ये क्या बताया, ग्लेनॉइड कैविटी, और पेल्विक गर्डल का क्या बताया, एसिटाब्यूलम। तीसरा बताता है कि कान की हड्डियों का नाम मैलियस और स्टेप्स हैं, और चौथा बताया कि बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट होता है कहाँ पे, हमारे कंधे में और हमारे एल्बो में। तो बताइए इनमें से गलत जवाब कौन सा है। सारी चीजें देखो मैंने बहुत आसान कर दिया समझा के, जल्दी उसे बताएं कि इनमें से गलत कौन सा है। बहुत ही आसान क्वेश्चंस नहीं है अब। रजनीश कह रहे हैं ए गलत जवाब। जिन लोगों ने ए जवाब दिया है उनका जवाब गलत है, जिन लोगों ने बी जवाब दिया है उनका भी जवाब गलत है। अरे बच्चे स्कैप्यूला का जो ये कैविटी है ना जो मैंने बताया, इसका नाम ही ग्लेनॉइड कैविटी है, और ये जो कैविटी है जहाँ पे एसिटाबुलम प्रेजेंट होता है उसे एसिटाबुलम ही कहते हैं। तो पेल्विक गर्डल का कैविटी एसिटाबुलम कहलाता है, ये सही है। स्कैप्यूला का जो अंदर डिप्रेशन होता है उसे हम ग्लेनॉइड कैविटी कहते हैं, ये भी सही है। कान की हड्डियों का नाम मैलियस और स्टेप्स है, ये भी सही है। आपको पता होना चाहिए कि कंधे का जो जॉइंट होता है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। पहला ऑप्शन देखते ही एकदम धड़ल्ले से दूसरे ऑप्शन की तरफ भाग गए। बच्चे नीचे वाला ऑप्शन भी तो देखो, एल्बो जॉइंट जो होता है उसका हिंज जॉइंट होता है, एल्बो जॉइंट को हम हिंज जॉइंट कहते हैं, तो वो बॉल एंड सॉकेट कैसे हो गया, मतलब ये चौथा ऑप्शन गलत था। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ इसमें, ऑप्शन नंबर डी। इनकरेक्ट इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन आप लोग नहीं पढ़ रहे। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बोन ऑफ स्कल, इनमें से खोपड़े की हड्डी कौन है। जल्दी बताइए, हमारे पास एक मिनट से कम का समय है, जल्दी बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बोन ऑफ स्कल, इनमें से कौन खोपड़े की हड्डी है। एटलस, पटेला, इथमोइड और इस्कियम। बेटा पटेला को आप लोग जानते हैं, पटेला क्या है, घुटने का टोपा है, इट इज नी कैप। एटलस क्या है, इट इज फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, हमारे रीढ़ की हड्डी का ये पहला हड्डी है, इट इज फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा। और इश्कियम किसका पार्ट है भाई, तो ये हमारे हिप बोन का पार्ट है। तो सही जवाब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। तो स्कल का कौन सा बोन है, स्कल बोन का नाम इथमोइड है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है यार। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा गलत तरीके से पेयर किया गया है।
ग्लाइडिंग जॉइंट फैलेंजेस के बीच यानी उंगलियों के बीच जो हड्डी होती है उनके अंदर ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। दूसरा ऑप्शन कि सैडल जॉइंट, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, मतलब जो हमारे पाम की हड्डियां हैं और जो हमारे कलाई की हड्डियां हैं उनके बीच जो जॉइंट होता है उसे हम सैडल जॉइंट कहते हैं। पाइवोट जॉइंट कहाँ होता है, तो एटलस और एक्सिस में, मतलब फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा और सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा के बीच जो जॉइंट है उसका नाम पाइवोट जॉइंट है। और चौथा कि जो हमारे कंधे की जो जॉइंट है उसका नाम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। तो इतना तो पक्का क्लियर है कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है हमारे कंधे का, मतलब डी ऑप्शन तो सही है। अब ये बताइए ए बी सी में से गलत क्या है, जल्दी बताइए, इट इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, जल्दी बताइए इनमें से गलत क्या है। 20 का ऑप्शन बताइए। सरिता राठी बेटा बिल्कुल गलत, मैं तो बता रहा हूं गलत पता करना है, ये तो सही है ना, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट तो होता है ना ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल में, हमारे हाथ की हड्डी और कंधे के गर्डल के अंदर जो जॉइंट होता है उसका नाम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट तो है ही है। जो पाइवोट जॉइंट है एटलस और एक्सिस के बीच में ये भी सही है। कार्पो मेटा कार्पल जॉइंट यानी हमारे पाम की हड्डियों में और हमारी कलाई की हड्डियों के बीच, रिस्ट की हड्डियां और हमारे पाम की हड्डियों के बीच जो जॉइंट है उसका नाम भी सैडल जॉइंट है। जो इसमें गलत है वो है ग्लाइडिंग जॉइंट, क्योंकि फैलेंजेस यानी उंगलियों के हड्डी के बीच जो जॉइंट है उसका नाम है एलिप्सॉइडल जॉइंट। जॉइंट्स के ऊपर मैंने पूरा एक सेशन ले रखा है, उसके बाद भी आप सबका ये हाल है। बताओ यार, दीज आर द क्वेश्चंस जो बहुत ही इजी क्वेश्चंस में से आते हैं और इन सब सवालों को बहुत जल्दी आपको समझना है और जवाब भी देना है। उंगलियों के हड्डी के बीच जो जॉइंट है उसका नाम है एलिप्सॉइडल जॉइंट, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल, क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 1। तो कल फिर मिलते हैं ठीक 8 बजे, जहां हम वापस से स्टडी करेंगे अपने CAPF असिस्टेंट कमांडेंट की प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के साथ। तो लेट्स स्टार्ट आर क्लास फॉर SSC अड्डा, जो कि हम मिलेंगे ठीक 2:30 बजे। तो ठीक आधे घंटे बाद हम SSC अड्डा पे मिलते हैं, जहां हम फिजिक्स के डिस्कशन के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप कि आपको आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, एंड द क्वेश्चंस दैट आई हैव डिस्कस्ड वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन। तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।